बिस्तर पर बीमार पड़े पीड़ित को आसरा ने दिया सहारा। आसरा सोसाइटी द्वारा उर्मिला वर्मा के पति जो कि एक साल से बीमारी से पीड़ित है, आज आसरा के सदस्यों ने साहू आटा चक्की के पास खुशीपुरा में उर्मिला वर्मा के निवास जाकर उनकी आर्थिक रूप से मदद की। सोसाइटी की अध्यक्ष पूजा शर्मा ने बताया कि उर्मिला के पति एक वर्ष से गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जिससे परिवार को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आसरा सोसाइटी को उनकी परेशानी को समझते हुए उर्मिला के परिवार को 2 महीने का राशन व बीमार पति के लिए 1 महीने का दूध की व्यवस्था करवाए और साथ ही एक साल से बिस्तर पर ही अपना जीवन जी रहे उनके पति के लिए न्यूरोथेरेपी की व्यवस्था करवा दी, जिससे कि बिस्तर पर पड़े रहने के कारण हाथ पैर अकड़ से गए हैं, जिससे पुनः उनके अंग काम कर सके। सोसाइटी के कोषाध्यक्ष बंटी शर्मा ने बताया कि पीड़ित के इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है, जहां उनका उचित रूप से इलाज हो सके। इस अवसर पर सचिव सुनीता चौहान, सहयोगी मो आदिल, विकास पटेल, गोविंद सोनी, विकास पांडे, आयुषी राय, प्रियांशी कोहिनूर, रितेश गुप्ता, अमित कुशवाहा आदि मौजूद रहे। ग्रिप बनेगी और बैट स्कोर के लिए आप प्रयास करो कि उसमें हवा लगती रहे, अगर वो दबा रहेगा तो पसीने से और डेवलप्ड होगा, ठीक है ना, बैट स्कोर। और बाकी आप इनको 3 बार करिए दिन में। हम कल से अपना थेरेपिस्ट भेजेंगे जो कि आपके लिए 10-15 दिन तक मदद करेगा, फिर प्रत्येक संडे आके वो आपका एक बार देख जाएगा। आज आप लोग तो आसरा सोसाइटी एक महानगर में और पूरे क्षेत्र में एक ऐसा नाम हो गया, लोग आओ कि ढूंढ ढूंढ के जिनको जरूरत है, बाकी में आज अपने ऐसे परिवार को ढूंढा जिनकी बाकी में स्थिति हमने देखा आज बहुत खराब है। इस बारे में आप क्या कहेंगी और इनकी आप कितनी मदद तक संभव करने का प्रयास करेंगी आप? उनकी कंडीशन देखते हुए भैया, कोशिश तो हम लोग ये है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि 2 बच्चे हैं और अकेली महिला है। हालांकि उनके घर में और भी हैं पर सपोर्ट किसी का नहीं है। तो अवधेश भैया है, उन्होंने पूरी कंडीशन देखी है उनकी, न्यूरोथेरेपी करते हैं भैया, तो उन्होंने भी देखा, तो उन्होंने बोला है कि 15-20 दिन तक उनके यहाँ से थेरेपी करने एक बंदा आएगा, उसके बाद उनको कुछ सिखाया जाएगा, क्योंकि दिन में एक बार करने से तो वो 1 महीने से बीमार है, ठीक नहीं होंगे ना, तो वो भी सीख लेंगे। 2 बार वो करेंगे, 1 बार वो बंदा करेगा। और भी लोग हैं जिनने मदद की है, विकास भैया हैं, हम लोगों ने मिलकर राशन भी दिया है। और इनको जो इलाज की जरूरत है वो इनको देखते हुए हम लोगों को करना पड़ेगा कि ये अकेली है तो ये कहाँ रुकेंगी, कैसे क्या होगा, और भी चीज़ें हैं, तो बस इनका इलाज का अब रह गया है, तो वो भी संभव कोशिश है कि अच्छी जगह पे अच्छा इलाज मिल सके उनको।